कांधली पश्चिम में गुजरातियों के माने जाने वाले भगवान जलाराम बापा की जयंती के अवसर पर भंडारा का आयोजन किया गया। यह भंडारा का आयोजन 28 सालों से किया जाता है। इस आयोजन के आयोजक परेश चंद्राणा और दिलीप चंद्राणा है। आइए इस संदर्भ में लोगों ने क्या कहा ये जानते हैं। आज हम कांदिवली वेस्ट में आए हुए हैं, यहाँ पर बाबा जलाराम की जयंती है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं भंडारे का आयोजन है, तो भंडारे के आयोजक से पूछते हैं कि उन्हें यहाँ पर आकर कैसे लग रहा है। हम लोग 1988 से मीन्स ये 28वां साल है हम लोग का, और हर साल हम लोग इतने जोरों शोरों में कर रहे हैं। आप लोग ये जो आयोजन करते हो, भंडारा करते हो, तो इसका मतलब तैयारी कब से शुरू कर दी? हम लोग का ये जो तैयारी है हम हमारा कम से कम 20 या 25 दिन से चालू हो जाता है, और ऐसे तो ये साल खत्म होता है तो अगले साल का तैयारी यही साल से तय कर लेते हैं कि ये साल जो मिस्टेक हुआ, क्या एडवांसमेंट करना है, क्या चेंज करना है, वो यही साल से नक्की करके आगे जाने देते हैं। आप ये भंडारा करते हो तो इसमें आपकी क्या श्रद्धा है, आप लोग ये क्यों करते हो? ये श्रद्धा का ऐसा है, जो ये संत जलाराम बापा है उसका 217वां जन्म जयंती है, तो वो जब भी छोटे थे तभी से उसको ऐसा था कि जो आदमी लोग है उसको खाना पीना खिलाने का वही रीत चल रहा है, और आज वीरपुर में उधर नहीं एक पैसा लेते हैं, नहीं खाना पीना लेते हैं और चल रहा है। आज के आयोजन में आपने ब्लड कैंप का भी रखा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हमने पिछले साल है ब्लड डोनेशन कैंप और आई चेकअप कैंप दोनों रखे थे, ये साल हम लोग ने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। इसके लिए रखा है कि इसका बेनिफिट जितना आदमी को मिल सके जितना लगे, और अवेयरनेस पब्लिक में लाने का है कि ऐसा चीज भी कुछ होता है, तो जिसको फियर है नहीं है तो हम लोग उसको समझा के उसको ब्लड डोनेशन के लिए अप्रिशिएट करते हैं। मेरा नाम मेहुल कटारिया है और जलाराम बापा का भक्त हूँ। अच्छा, और लोगों को भी मेरी तरफ से जलाराम जयंती की हार्दिक शुभेच्छा। और ये जो आयोजन हुआ है काफ़ी अच्छा, भंडारा काफ़ी लोग है यहाँ पे, और ये देख के काफ़ी मन प्रसन्न होता है कि कोई अन्य क्षेत्र जो चलाता है और अन्य क्षेत्र में भी इतनी अच्छी क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी और इतने बढ़िया सुनियोजन से ये किया है, तो उसके लिए मैं ये मंडल का सुबह आभारी हूँ। आप इस मंडल में कब से आ रहे हो? मैं इस मंडल में लास्ट 3 साल से आ रहा हूँ, और हर साल मैंने देखा कि भीड़ बढ़ती ही जा रही है, लोगों का उत्साह बढ़ते जा रहा है, और जो इन लोग डायरों का प्रोग्राम रखते हैं वो डायरों का प्रोग्राम भी बहुत फेमस हो चुका है, और लोग भारी संख्या में शाम को भी दिखेंगे। वो अच्छा ही है, क्योंकि अभी जितनी दवाइयाँ निकली है इतनी बीमारियाँ भी निकली है। वो ब्लड डोनेशन के वास्ते बहुत कमती रहता है, वो ब्लड करेंगे तो अच्छा ही है। गरीब को, गरीब लोग जो खर्च नहीं कर सकते वो उनको बहुत ये अच्छा रहता है। वेलकम। आज बाबा जलाराम की जयंती है, तो इस अवसर पर आप लोग भंडारा करते हो, तो ये भंडारा आप लोग सिर्फ यहाँ पर करते हो या फिर मतलब कुछ विशेष सेलिब्रेशन आप लोग अपने घरों में भी करते हो? घर में भी करते हैं और इधर भी करते हैं। जला बाबा हम इधर 65 साल से इधर रहते हैं, वैसा ही वो ये जला बाबा ने चंद्राणा भाई ने चालू किया था वही चालू करते हैं, भंडारा करते हैं, आरती करते हैं और सब मिलकर खाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। आप लोग अपने घर में मतलब जो सेलिब्रेशन करते हो उसमें क्या विशेष पकवान बनाते हो या फिर पूजा करते हो, उस बारे में कुछ बताइए। वो जला बाबा की मेन खिचड़ी करते हैं और सब में बांटते हैं, और वही प्रसाद मेन खिचड़ी का है जला बाबा के, और आरती करते हैं। आप लोग इस आयोजन में कब से आ रहे हो? हम इधर पारेख नगर में रहने आए 65 से, तब से हम इधर आ रहे हैं। आप जला बाबा का जो भंडारा होता है इसमें करने के पीछे श्रद्धा क्या है, लोगों का मानना क्या है? गरीबों को देने से, अन्न देने से आपको भी कभी भी मिलता है और बढ़ती होती है, कभी कमी नहीं होती है, कभी कमी नहीं होती है। ऐसा ही सबको भगवान सुखी रखे और सबको ये खाना मिले, कोई इंडिया के अंदर ये कोई भूखा नहीं रहे, इसका मतलब है, इसके लिए भंडारा हम करते हैं। ब्लड डोनेटिंग कैंप में आपने ब्लड डोनेट किया या नहीं?
हाँ करने वाला हूँ एब्सोल्युटली, बट अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको बाद में बोलूँ। आपने ब्लड डोनेट कभी किया है या फिर फर्स्ट टाइम? मैंने किया है डोनेट हॉस्पिटल में, जब जिनको ही जरूरत थी मैंने सबको ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट करने से उनकी भी हेल्थ मतलब हेल्थ रहेगी और उनकी लाइफ बच सकती है। डोनेट करने आए हो तो आप कब से ब्लड डोनेट कर रहे हो? गए 2 साल से कर रहा हूँ रेगुलर। तो आपको कैसा फील हो रहा है अभी आप ब्लड डोनेट करने आए हो और आज जलाराम बाबा की जयंती भी है, तो इसमें आपको कैसा फील हो रहा है? ब्लड डोनेट करना तो एक इंसानियत ही है, तो उसमें कुछ मैं बड़ा कुछ काम नहीं कर रहा हूँ इसमें। ब्लड डोनेट करना तो एक जैसे आप रेगुलर काम करते हो वैसे ही ब्लड डोनेट करना भी काम ही है एक। ओके ठीक है, बस थैंक यू।